ओम नमः शिवाय। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया में। दोस्तों आज मैं आया हूँ जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ शहर में, और जो पीछे आप देख रहे हैं वो है गिरनार पर्वत। हाँ जी दोस्तों, इसी पर्वत पर मेरा वीडियो है। क्या है ये पर्वत, क्या है जूनागढ़ में, क्यों खासियत है, इसे गिरनार क्यों कहा जाता है, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो बता दूँ दोस्तों, ये जो आप पर्वत जो पीछे देख रहे हो ये गिरनार पर्वत कहा जाता है। और इस पर्वत की सबसे यह खासियत है कि इसको देखने से ये प्रतीत होता है कि शिव विराजमान हैं, सोए हैं, और इसी का मैं आपको पूरा ब्यौरा दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये रास्ता है, और वो जो पहला आप कम देख रहे हैं दोस्तों वह शिव की नाक है, और इससे ऊपर चढ़ेंगे और वो जो आप देख रहे हैं शिव की आँख सा प्रतीत होता है। और इससे ऊपर जब हम जाते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। हाँ जी दोस्तों, सबसे ऊपर है, और पूरे रास्ते में यहाँ से ये रास्ता है, और पूरे रास्ते में अनेकों मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, और बहुत ऊंचा पर्वत है। और जब मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूँ दोस्तों, ये जो आप जंगल देख रहे हैं यहाँ शेर पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात में सिर्फ गिरनार, यही गिर के जंगल में ही शेर पाए जाते हैं। तो ये सब पीछे ये पूरा जंगल है दोस्तों, ये पूरा प्रतीत होता है जैसे शिव की केसों से बना हुआ है। तो बहुत अनुभव है, यहाँ आके बहुत मज़ा आता है, और यह इस पर्वत की खासियत है। तो दोस्तों आज हमारे साथ में, मैं आपको बताना भूल गया कि दुर्गेश भाई नहीं है, तो आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे छोटे भाई है धर्मेंद्र यादव। आप मिलिए इनसे भी और इनसे अनुभव लेते हैं। तो बताना चाहूँगा तो माई डियर ब्रो धर्मेंद्र यादव, दोस्तों इस प्रकार हरीश भाई ने आपको बताया कि इस पर्वत में देखने से ही आपको ये प्रतीत होगा कि जैसे शिव का चेहरा मतलब दिखाई देगा आपको साफ साफ। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जूम करके। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है ऊपर दत्तात्रेय है ना धर्मेश भाई। हम तो अक्सर आते हैं सबसे ऊपर वाला, ये दत्तात्रेय। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे आने से एक अलग ही एनर्जी फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये मैंने भी फील किया भाई। मैं कई बार आया हूँ, ये मेरा पांचवी बार का ये टूर है यहाँ पे। गुड गुड, हर शिवरात्रि में आता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे आके एक अनोखा अनुभव होता है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे भाई धर्मेश जी ने बताया, ये गिरनार पर्वत और यहाँ जो आप ये सब पूरा जंगल देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा जंगल है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही है, और आप देख सकते हैं चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, और काफ़ी सुंदर लोकेशन और नज़ारा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी चोटियाँ हैं और काफ़ी अनुभव से घिरा हुआ है, देख लीजिए आप दोस्तों, काफ़ी रहस्यमय है ये जगह। तो मैं बताना चाहता था कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, गिरनार पर्वत है, और जब इसके काफ़ी दोस्तों फोटो भी है, अगर आपको मेरी बात झूठी लगे तो आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा गूगल में कि गिरनार पर्वत कैसा दिखता है, तो काफ़ी फ़ोटो मिल जाएंगे आपको, और बिल्कुल पूरे शिव की प्रतिमा की तरह। मैंने आपको इसलिए बताया दोस्तों कि अगर आपको पता ना हो तो हमारे इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर पता चले। और दोस्तों मुझे प्लीज़ बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हो सके जितना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस शिव की प्रतिमा को, इस जूनागढ़ के गिरनार को हम चारों ओर फैलाएं। और दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा गाइस, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।